आज जब 136 दिन बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी सदस्यता बहाल होने के बाद संसद पहुंचे थे तो सबकी निगाहें गेट पर खड़े इंडिया के नेताओं और राहुल गांधी पर टिकी थी। लेकिन इन सब के बीच जिस एक तस्वीर पर किसी की निगाह नहीं गई वो तस्वीर थी कांग्रेस नेता और राहुल गांधी की माँ सोनिया गांधी की। ये तस्वीर क्या थी और इस तस्वीर में इशारों इशारों में हुई एक माँ बेटे के बीच की बातचीत के मायने क्या हैं? आइए हम उस तस्वीर को दिखाते हैं और उस तस्वीर में छुपा एक अनकहा संदेश आपको समझाते हैं। राहुल गांधी आज सुबह जब संसद पहुंचे थे तो संसद के गेट पर एक और जहां विपक्ष के गठबंधन की भीड़ थी तो वहीं इस गठबंधन की भीड़ से दूर सोनिया गांधी भी अपने बेटे के इंतजार में खड़ी थी। तभी राहुल गांधी की गाड़ी संसद के गेट पर आकर रुकती है। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी अपनी गाड़ी के गेट से बाहर निकलते हैं, बाहर खड़ी माँ सोनिया गांधी हाथों से कुछ इशारा करती है और फिर राहुल गांधी गाड़ी से निकलकर संसद भवन के अंदर जाने की जगह गांधी प्रतिमा की ओर बढ़ जाते हैं। इस दौरान भीड़ में राहुल गांधी से कुछ नेता पूछते भी हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, तो वो इशारों में कहते हैं कि माँ ने कहा है कि पहले महात्मा गांधी को प्रणाम करके आओ, उसके बाद राहुल गांधी संसद भवन के अंदर जाने से पहले गांधी प्रतिमा को प्रणाम करते हैं, उस पर एक गुलाब का फूल चढ़ाते हैं। राहुल गांधी की 136 दिन बाद संसद में वापसी से जहां एक और विपक्ष का जोश पूरे हाई पर था तो वहीं सोनिया गांधी एक सीनियर लीडर के साथ साथ बतौर माँ भी अपने बेटे को बिल्कुल उसी तरह रिवाज समझा रही थी जैसे आम तौर पर भारतीय माँ अपने बच्चों को सिखाती हैं। इस बीच लोकसभा की कार्यवाही खत्म होने के बाद राहुल गांधी माँ सोनिया गांधी के साथ कुछ देर के लिए संसद परिसर में भी नजर आए। इसके साथ ही राहुल गांधी संसद में सोनिया गांधी के कमरे में बैठकर मणिपुर के कांग्रेसी सांसदों से मुलाकात भी की। राहुल गांधी की संसद वापसी के बाद माना जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया को और ज्यादा बल मिलेगा।